सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप सदन में मोदी के सामने लगे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, मोदी भी हुए साफ। जी हां, आपको चले कि लोकसभा में कार्रवाई की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए और राहुल गांधी के समर्थन में अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने नहीं निकला। महज 6 मिनट के भीतर ही लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन की ओर से कर दी गई। लोकसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य मंत्री भी सदन में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विपक्षी कांग्रेस और डीएमके के सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी करना शुरू कर दिए। विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने वेल में आकर नारेबाजी कर रहे सांसदों से कहा कि यह व्यवहार लोकतंत्र और संसद की उच्च कोटि के मर्यादाओं के लिए ठीक नहीं है। स्पीकर ने कहा कि आप सदन की मर्यादा गिरा रहे, यह व्यवहार देश के लिए भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सदन हमेशा उच्च कोटि के डिबेट और डिस्कशन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आप चरणबद्ध तरीके से सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे, जो ठीक नहीं है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना। ये सदन डिबेट और डिस्कशन के लिए, स्पीकर ने कहा कि मैंने आपको हमेशा बोलने का भरपूर मौका दिया। लोकसभा स्पीकर की इन बातों का हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा और सभी कांग्रेस व तमाम विपक्षी सांसद वेल में आकर लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। अब जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ